अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। एपीएमसी में संचालक का चुनाव प्रचार गरमाया। मसाला मार्केट के उम्मीदवार कीर्ति राणा के समर्थन में उतरे सैकड़ों व्यापारी। फरवरी को होने वाले एपीएमसी बाजार समिति के संचालक पद के चुनाव में मसाला मार्केट से प्रत्याशी कीर्ति राणा का प्रचार तेज हो गया है। शनिवार को उन्होंने मार्केट में सैकड़ों व्यापारियों से मुलाकात की और मार्केट के विकास के लिए वोट की अपील की। यहां कीर्ति राणा को व्यापारियों का जोरदार समर्थन मिलता भी नजर आया। दूसरी बार एपीएमसी संचालक का चुनाव लड़ रहे कीर्ति राणा ने बाजार की मुश्किलों और समस्याओं का हवाला देते हुए ऑनलाइन कारोबार को परंपरागत कारोबार के लिए बड़ी चुनौती बताया और चुनाव जीतने पर नई मुंबई की एपीएमसी मंडियों को इंटरनेशनल हब बनाने और ऑनलाइन सिस्टम में लाने का भरोसा भी दिलाया। देखिए, हमारी मसाला मार्केट जो है, जिसमें 17 संगठन है, उसमें ड्राई फ्रूट है, शक्कर है, किराना है, तेजाना है, नारियल है, तेल है, घी है, बहुत सारी गंजाना है। तो सभी व्यापारी जो है बड़े पैमाने में से, आज हमारा करीबन 45 साल का तजुर्बा है और हम 20 साल से इस हमारी चैम्बर के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी 108 साल पुरानी जो संस्था है, वहाँ पर भी करीबन आज 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ कारोबारी से, वहाँ भी अध्यक्ष हूँ। व्यापारी बड़ी आनंद से, बड़े गर्व से सपोर्ट कर रहे हैं और हमें विश्वास है पूरा कि हमारी जीत जो है वो सारी व्यापारी आलम की जीत रहेगी। और आप सभी का देखा, सभी का माहौल देखा आपने कि बड़े प्रेम से अपनी जगह छोड़कर हमें बुलाते हैं और निश्चित तौर से हमें शासकीय अनुभव, हमारे शासन के अनुभव, हमारे एपीएमसी के कायदे कानून का अनुभव और आने वाले दिनों में हमारी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है। बताना जरूरी है कि कीर्ति राणा कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में ही बाजार में सीमेंट की सड़कें और दूसरे विकास कार्य पूरे हुए हैं। नवी मुंबई मर्चेंट एसोसिएशन और व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर भी वे व्यापारियों के लिए अक्सर आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि एपीएमसी और व्यापारियों की लंबी समस्याओं के समाधान के लिए वे हर संभव प्रयत्न करेंगे। आज दिन प्रतिदिन ऑनलाइन से व्यापार हो रहा है, ऑनलाइन के अंदर वो व्यापार जो कर रहे हैं उसकी पूरी छानबीन हमने हमारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से लगाई। आज कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है वो 7 करोड़ व्यापारियों की संस्था है, जिसके हम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सवाल ये है कि व्यापार के अंदर विकास बहुत महत्व की बात है। आज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है हमें। और बिल्कुल हम, हमारी जो मार्केट है, जो जो हमारी समस्या है, वो बिल्कुल उसका सभी का साथ लेकर उसकी समस्याओं को दूर करना है और एक इंटरनेशनल मार्केट के तौर पे भारत सरकार होए या महाराष्ट्र शासन होए या हमारी कॉरपोरेशन हुए, सभी के साथ मिलकर इस एरिया का विकास करेंगे, यहाँ रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के लिए बहुत बड़ी उम्दा और कीमती चीज़ें हैं। हमें इंटरनेशनल कंपनियों से भी स्पर्धा करने में बिल्कुल डर नहीं है,
हमारे व्यापार को विकास की गति मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।